Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are going to make 10 cakes. Normal cake नहीं, वो जो dry cake जो bakery में मिलते हैं वो वाले cake. लेकिन हम एक दिन में 10 केक बनाने वाले हैं. मैं ये केक एक्चुअली कुछ बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए बना रही हूँ. किसके लिए बना रही हूँ वो मैं कल बताऊँगी, कल मतलब इन द वीडियो आगे जाके. जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन द वीडियो. मैंने प्रोसेस 12 बजे स्टार्ट करा था एंड पूरे टाइम बस यही लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं. डिसाइड तो कर लिया था मैंने कि 10 केक बनाऊँगी, बट आई वॉज सो स्ट्रेस्ड. ऑल्सो स्ट्रेस इस बात का भी था, कुछ बहुत स्पेशल लोगों के लिए मैं केक बना रही थी तो अच्छा बनना भी बहुत ज़रूरी था. उन स्पेशल लोगों के लिए केक बनाने के लिए मुझे केक को थोड़ा हेल्दी फाई भी करना था. हेल्दी फाई करने के लिए मैंने उसमें मैदे की जगह आटा डाला, शुगर की जगह जैगरी पाउडर डाला और एग बिल्कुल भी ऐड नहीं करा. ये केक नंबर 3 की प्रेप चल रही है. मुझे मतलब ये थोड़ा सा हो चुका है, मुझे बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं. लुक एट द केक, कितना अच्छा लग रहा है. ये पहला केक बन के आया और ये रहे मेरे 5 केक. 3 दिख रहे हैं क्योंकि वो जो हाफ वाला है अगर उसके हिसाब से देखूं तो 5 हो गए हैं. ये मैं बड़ी खुश थी 5 केक जब मेरे हो गए थे. माइक्रोवेव, दिस इज केक नंबर 5 इज इन प्रोसेस. केक नंबर 5, लेट्स गो. आउट ऑफ ऑल द डेज उसी दिन मुझे पीरियड्स होने थे. आई हैड सीवियर बॉडी पेन. जो मैंने डिसाइड किया था वो तो मुझे करना ही था. लास्ट केक बनाते बनाते रात हो गई थी और ना मेरे अंदर कुछ बोलने की एनर्जी थी ना कुछ रिकॉर्ड करने की एनर्जी थी. हाय गाइस, सो इट्स 14th टुडे और आज मेरा बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे टू मी. और फाइनली काफ़ी सारे केक बना लिए मैंने. एग्जैक्टली 10 तो नहीं हो पाए जितना मैंने सोचा था, बट काफ़ी हद तक आई हैव अचीव्ड. एंड अब हम जा रहे हैं अभी के लिए. लेट मी शो यू द केक्स. मैं बस केक को देख के खुश भी जा रही थी कि मैंने कुछ तो कर ही लिया एटलीस्ट. ये रहे मेरे केक्स. हाफ साइज के अकॉर्डिंग 8 केक्स हो गए थे. ये है एक मोमेंट ऑफ पैट ऑन माई ओन बैक. मैंने इनको प्लास्टिक में पैक करा है सो डैट ये ड्राई ना हो. नाउ इज द टाइम टू बाय रेस्ट ऑफ द आइटम. मतलब रॉ मटेरियल्स लाइक आटा, दाल, ब्रेड, बिस्किट्स जो डेली यूज में आराम से यूज हो जाए मैंने वो सब खरीदा. फ्रूट्स ऐड करना भी बहुत अच्छा आइडिया होता है सो आई थॉट बनाना ऐड कर लेते हैं. सॉफ्ट होते हैं टू ईट. मीठे में मैंने केक्स तो बना ही लिए थे एंड शाम का टाइम था तो फ्रेश फ्रेश कढ़ाई में से निकलते हुए समोसे. मज़ा ही आ जाता है ये खा के. तो ये क्लिप देख के एडिटिंग के टाइम पे मेरे मुंह में एकदम पानी आ गया. सारा सामान कैब में रखा. ऑल्सो माई अमेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली ने बहुत सारे केक्स भेजे थे सो आई डिसाइडेड कि केक सबके साथ कट करना तो बनता ही है. एंड हियर आई एम एट द लोकेशन ऑफ माई बर्थडे. दिस ईयर आई डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे एट एन ओल्ड एज होम विद दीज स्पेशल पीपल. एंड दिस वॉज अ रीज़न आई ट्राइड मेकिंग अ हेल्दी केक, क्योंकि ओल्ड एज पीपल के साथ थोड़े से हेल्थ इश्यूज होते हैं. किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को खाना पचता नहीं है. इसलिए मैंने हेल्दी केक बनाया था जिसमें मैंने शुगर नहीं डाला था, मैदा नहीं डाला था और एग भी अवॉइड करा था. मैक्सिमम लोग ये क्रीम वाला केक खा ही नहीं रहे थे. सो आई वॉज सो हैप्पी कि मैं एटलीस्ट कुछ ऐसा लेके आई हूँ जो वो लोग आराम से खा लेंगे. ये सबको देख के आई वॉज लिटिल इमोशनल दैट डे, बट आई वॉज ऑल्सो हैप्पी एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं शायद बहुत कुछ ना कर पाऊँ बट मैंने एटलीस्ट थोड़ी सी कोशिश करी अपनी तरफ से कुछ सबके लिए करने की. दिस ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि मुझे किसी स्पेशल डे का वेट नहीं करना चाहिए एंड जब दिल करे तब चले जाना चाहिए. और जब ये सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे दैट जस्ट मेड माई डे ब्यूटिफुल. दे ऑल हैड अ बिग स्माइल ऑन देयर फेस. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ सेलिब्रेट करके. इतने सारे लोग सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे. आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ब्लेस्ड. इट वॉज अ होलसम डे मीटिंग देम, शेयरिंग हैप्पीनेस, मेकिंग देम स्माइल. आई विश आई हैड स्टेड लॉन्गर. आई लेफ्ट फॉर होम विद अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड. इट वॉज इंडीड अ हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.